तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कांदेले, कांदेले होम डिजाइन्स में आप सबका स्वागत करता हूँ। दो भाइयों के हिसाब से हमने घर का नक्शा बनाया था, डिजाइन बनाया था, जो कि आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो प्लॉट साइज हमने यूज किया था, ये किया था दोस्तों 26 फीट बाय 60 फीट का। दोस्तों अगर हम बिल्डअप साइज की बात करें तो बिल्डअप साइज यहाँ पर हमने यूज किया था 26 फीट बाय 91 फीट 8 इंच का। अगर हम टोटल एरिया की बात करें, यहाँ पर हमें टोटल एरिया मिलता है दोस्तों 1560 स्क्वायर फीट का, और उसके साथ यहाँ पर जो हमने बिल्डअप एरिया यूज किया था वो किया था दोस्तों 1344 स्क्वायर फीट का। और ये जो प्लॉट साइज था दोस्तों, ये नॉर्थ फेसिंग था, उत्तर मुखी प्लॉट था। और यहाँ पर अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें, जो हमारे कस्टमर थे उनकी रिक्वायरमेंट ये थी दोस्तों कि उनको दो भाइयों के हिसाब से घर बनवाना था। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, उनकी ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर की सेम थी। अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूँ दोस्तों, तो इनकी रिक्वायरमेंट ये थी, उनको यहाँ पर एक लिविंग रूम डिजाइन करवाना था दोस्तों, उसके साथ यहाँ पर एक किचन डिजाइन करवाना था, एक डाइनिंग रूम यहाँ पर उनको डिजाइन करवाना था, दो मास्टर बेडरूम डिजाइन करवाने थे दोस्तों, मतलब बेडरूम के अंदर यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम कंबाइन होना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए, ऐसे इनको दो बेडरूम यहाँ पर डिजाइन करने थे, और एक यहाँ पर बेडरूम डिजाइन करना था। उसके साथ यहाँ पर कॉमन टॉयलेट और कॉमन बाथरूम डिजाइन करवाना था, और उसके साथ यहाँ पर एक वॉश एरिया मतलब यूटिलिटी एरिया उनको किचन के लिए प्रोवाइड करना था, और साथ ही साथ उनको यहाँ पर एक बाइक पार्किंग के लिए जगह चाहिए थी, गार्डनिंग स्पेस चाहिए था, और दोस्तों स्टेयरकेस और बरामदा उनको बाहर से चाहिए था। तो दोस्तों ऐसी कंप्लीट उनकी रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल की थी। तो दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई थी, ये एक भाई के हिसाब से, एक फ्लैट के हिसाब से उन्होंने बताई थी। ऐसे दो फ्लैट हमने डिजाइन किए थे दोस्तों उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर में उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने उनको प्लान प्रोवाइड किया था। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप भी घर बनवा रहे हैं दोस्तों, और अगर आपको घर बनवाने के लिए नक्शा या डिजाइन बनवाना हो, आपके स्क्रीन के ऊपर दो नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी डिटेल्स। हम आपको भी आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार नक्शा या डिजाइन प्रोवाइड कर देंगे। इंस्टीट्यूशनल या कमर्शियल आपको अगर डिजाइन बनवाना हो, नक्शा बनवाना हो, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन हम जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, उसके नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, फीस लेते हैं, जो कि आपको पे करना होगा। तो जरूर संपर्क कीजिएगा दोस्तों, अगर आपको भी नक्शा या डिजाइन बनवाना हो तो। चलिए दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें फ्रंट साइड से रोड मिल जाता है दोस्तों, और ये जो प्लॉट था दोस्तों, ये नॉर्थ फेसिंग था, उत्तरमुखी प्लॉट था। अब मेन रोड से जैसे हम अंदर एंट्री करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने बाइक पार्किंग के लिए स्पेस दिया था, जिसका कि हमने साइज यहाँ पर दिया था दोस्तों 25 फीट 4 इंच बाय 8 फीट का। उसके एक कॉर्नर में यहाँ पर हमने गार्डनिंग के लिए स्पेस दिया था दोस्तों। अब जैसे ही 2-3 स्टेप चढ़कर हम ऊपर जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हमने एक बरामदा प्रोवाइड किया है दोस्तों 6.5 फीट बाय 13 फीट का, और उसके एक साइड में यहाँ पर हमने स्टेयरकेस प्रोवाइड किया है दोस्तों, जिसका कि हमने लैडर का साइज दिया था दोस्तों 3 फीट बाय 6 फीट 2 इंच का। अब दोस्तों बरामदे की तरफ से जैसे हम अंदर आते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने एक लिविंग रूम प्रोवाइड किया है, जिसका कि हमने साइज दिया था दोस्तों 13 फीट बाय 14 फीट 8 इंच का, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमें लिविंग रूम के लिए सफिशियंट यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। अब लिविंग रूम की तरफ से जैसे ही बैक साइड में हम जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमने एक डाइनिंग रूम प्रोवाइड किया है, जिसका कि हमने साइज दिया था दोस्तों 8 फीट बाय 11 फीट 2 इंच का। और दोस्तों डाइनिंग रूम के हमने फ्रंट साइड में यहाँ पर एक बेडरूम प्रोवाइड किया था, जिसका कि हमने साइज दिया था 11 फीट 2 इंच बाय 12 फीट का। अब चलते हैं दोस्तों बैक साइड की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिविंग रूम के बैक साइड में हमने यहाँ पर एक मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया था, जिसका कि हमने साइज यहाँ पर प्रोवाइड किया था दोस्तों 12 फीट बाय 9.5 फीट का। उसके साथ यहाँ पर हमने अटैच्ड यहाँ पर प्रोवाइड किया था दोस्तों टॉयलेट बाथरूम कंबाइन प्रोवाइड किया था इस बेडरूम के लिए, जिसका कि साइज हमने दिया था दोस्तों 7 फीट बाय 4 फीट का। उसके साथ दोस्तों एक स्मॉल हमने बेसिन एरिया यहाँ पर प्रोवाइड किया था 2 फीट 2 इंच का। अब चलते हैं दोस्तों लिविंग रूम की तरफ से बैक साइड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने एक लॉबी प्रोवाइड की थी सेंटर में, जिसका कि हमने साइज यहाँ पर प्रोवाइड किया था दोस्तों 7 फीट 4 इंच का। और लॉबी में से हमने एंट्री दी थी दोस्तों कॉमन टॉयलेट बाथरूम के लिए, जो कि यहाँ पर हमने कॉमन बाथ डिजाइन किया था दोस्तों 7 फीट बाय 4 फीट का, और कॉमन हमने टॉयलेट प्रोवाइड किया था दोस्तों 4 फीट बाय 4 फीट का। अब लॉबी की तरफ से बैक साइड में चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पोर्शन में हमने किचन प्रोवाइड किया है दोस्तों, जिसका कि साइज हमने दिया था दोस्तों 11 फीट 2 इंच बाय 10 फीट का। और किचन की तरफ से जैसे ही हम बैक साइड में जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वॉश एरिया प्रोवाइड किया था, यूटिलिटी एरिया हमने प्रोवाइड किया था, जिसका कि हमने साइज दिया था दोस्तों 4 फीट बाय 11 फीट 2 इंच का। और दोस्तों किचन के एक साइड में हमने मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया था, जिसका कि हमने साइज दिया था 13 फीट बाय 12 फीट का। और उसके साथ हमने इस बेडरूम के लिए टॉयलेट बाथरूम कंबाइन प्रोवाइड किया था दोस्तों, जिसका कि हमने साइज दिया था दोस्तों 4 फीट बाय 7 फीट का। ये कंप्लीट हमने 3 BHK हाउस यहाँ पर डिजाइन किया था दोस्तों ग्राउंड फ्लोर में, उसके साथ यहाँ पर हमने बाइक पार्किंग और गार्डनिंग स्पेस दिया था। अब चलते हैं दोस्तों स्टेयरकेस की तरफ से फर्स्ट फ्लोर में। अब जैसे हम स्टेयरकेस से ऊपर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्राउंड फ्लोर पर हमने जो प्लान डिजाइन किया था, कंप्लीट हमने फर्स्ट फ्लोर पर सेम यहाँ पर प्लान डिजाइन किया था, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ये नक्शा बनाया है दोस्तों, ये दो भाइयों के हिसाब से था। तो ग्राउंड फ्लोर पर जो हमने डिजाइन बनाया था, ये सेम रहेगा दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर। और इसके साथ यहाँ पर कुछ नॉर्मल यहाँ पर चेंजेस हुए थे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमने बरामदा प्रोवाइड किया था दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पर फ्रंट साइड में, उसके फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर हमने सीट आउट एरिया प्रोवाइड किया था दोस्तों, और यहाँ पर एक साइड से हमने गैलरी एक्सटेंड की थी दोस्तों 3 फीट की, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसा दोस्तों हमने दो भाइयों के हिसाब से ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर का प्लान हमने डिजाइन किया था।
ग्राउंड फ्लोर पर हमने 3 BHK हाउस डिजाइन किया था एंड फर्स्ट फ्लोर पर भी हमने 3 BHK हाउस डिजाइन किया था। अगर टोटल हम निकालते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 6 BHK हाउस हमने डिजाइन किया था और एक कंप्लीट हमने दो भाइयों के हिसाब से डिजाइन किया था। आपको आज का प्लान कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हाँ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल का आइकन भी प्रेस कीजिए दोस्तों, ताकि जो भी हम नए वीडियोस अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र।